क्या जरूरत थी परिजात के सामने पुराने किस्से खोलने की? अच्छा तो तुमने कौन सी बात छुपी रहने दी है भाई? ताक ताक के निशाने मारे हैं ताकि परिजात हमसे बदजन हो जाए। अच्छा और ये तुम्हारी बीवी, ये क्या बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी है? क्या बोल रही थी भाई तुम? भाभी देखो मैं कह रही हूँ। क्या कह रही हो? अरे तुम लोग तो अपनी बकवास बंद करो। बैठ बैठ बैठ। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे, एक ना रहे, परिजात हम सबसे मुतनफर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो भाई, अभी कह रहा था मैं, इतना जल्दी मत जाने दो परिजात को। एक साथ रहने में ही सबका फायदा है। ये अच्छा है? क्या है ये? क्या नाम रखा है इस गुड़िया का? परीसा। इसके प्यारे से मामू के नाम पर इसका नाम रखा है। जब तुम्हारी गिरफ्तारी का पता चला तो काफी रोई परीजात। इसने मुझसे बहुत जिद की तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे आदमी का पैगाम मिल गया था मुझे। कैसा पैगाम? वो मैंने ही सलीम भाई को पैगाम पहुंचाया था कि किसी भी सूरत में तुम्हें वहीं रोक के रखे। मैं नहीं चाहता सलीम भाई की जिंदगी में और मसले मसाइल पैदा हों। वैसे भी ये पुलिस कचहरी के मामला बहुत उलझे हुए होते हैं। अच्छा तभी मेरा रोना धोना, इतना मिन्नत करना इन पर असर नहीं कर रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था, वरना लोग तो अजीब और गरीब अफवाहें उड़ा रहे थे। और ये अखबार और न्यूज वाले, इनका तो काम ही बात का बतंगड़ वाला, रूही का पहाड़ बना देते। वैसे लोग गलत नहीं कह रहे होंगे सलीम भाई, मेरे मरहूम मालिक ने अपनी बीवी का कत्ल किया, उनके वफादार साथियों में मैं भी शामिल था। मेरे समेत कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने साल लग गए अपनी बेगुनाही साबित करते करते। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने वफादारों में बांट दी। बस ऐसी कहानी है। कुछ अंदाजा था मुझे, अब तुम्हारी बात सुनकर के ये भी लग रहा है कि तुम्हारे मालिक के अच्छे खासे दुश्मन थे, और ये भी हो सकता है कि कुछ अभी भी घात लगा कर बैठे। करीब एहतियात से रहना, अपना ख्याल रखना। परी देखो अब तुम्हें जो भी काम करना है ना, बस यहाँ पर करो, इसी शहर में मेरी आंखों के सामने। मेरे करने को कोई काम रहा ही नहीं आती। अरे ऐसे कैसे, हजारों काम पड़े हैं करने के लिए। साफ साफ कहो, उसकी शादी करवा के फंसाना है उसे। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका इरादा क्या है। जब से इसे पता चला है ना तुम रिहा हुए हो, बस तुम्हारी शादी की तैयारियों में लग गई है और इतनी लड़कियां देख चुकी है अभी तक। हाँ तो क्यों नहीं, क्या कमी है मेरे भाई में? देखना इस शहर के सबसे ऊंचे खानदान की सबसे प्यारी लड़की लेकर आऊंगी, बस एक बार ये हाँ तो करे।